Nice. Vlog na raha tu aise aata. तेरे व्लॉग का इंट्रो ही मैं ऐसे ही करूंगा देखना। गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के वीडियो में हम जा रहे हैं कबन पार्क में। सो एवलिन काफी टाइम से कह रही थी कि उसको कबन पार्क जाना है, तो इट्स अ वीकेंड राइट नाउ एंड आई थॉट आज हम दोनों, एंड क्लाइमेट भी बैंगलोर में बहुत अच्छा है, कल बारिश हुई थी एंड आज भी थोड़ा क्लाउडी है, तो वी आर थिंकिंग आज हम कबन पार्क जाएंगे एंड एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये देखिए गाइज, ये है हमारी चेरी, तो ये है चेरी का घर, ये एक फाइटर फिश है। तो गाइज ये है हमारी गप्पी फैमिली, इनका नाम मिनियंस है एंड ये ब्लैक वाली है मामा गप्पी एंड इसके बेबीज हैं इसके अंदर, आपको दिख रहे होंगे छोटे छोटे गप्पी फ्राइज, तो मामा गप्पी के बेबीज हैं ये। तो हे गाइस, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, सो लेट्स गो। तो दोस्तों कबन पार्क इज ऑलमोस्ट 14 किलोमीटर्स फ्रॉम माय प्लेस। हमने स्टार्ट किया सुबह 11 बजे एंड ट्रैफिक भी हमें बहुत मिला, तो ऑलमोस्ट 1 आवर हमें लगा पहुंचने में। यहां पे कबन पार्क के पास में ही गवर्नमेंट म्यूजियम भी है और आप यहां भी जा सकते हैं। तो गाइज अभी हम फाइनली आ गए यहां पे एंड जैसे कि आप देख सकते हैं पार्किंग के लिए बहुत जगह है। आप टू व्हीलर में आ रहे हो तो जैसे मैंने गाड़ी यहाँ लगा रखी है, तो टू व्हीलर में आ रहे हो तो आराम से मिल जाएगी। फोर व्हीलर के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है आपको एक पार्किंग स्पॉट ढूंढने के लिए, मुझे पता नहीं दूसरी साइड में है या नहीं, मैं इस साइड आया हूँ तो पार्किंग के लिए काफ़ी जगह है। चलिए अब अंदर चलते हैं। तो गाइस सबसे पहले अभी हम कुछ खाएंगे क्योंकि बहुत भूख लग रही है, हमने लंच किया नहीं था और हम सीधा यहाँ आए थे। तो यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं छोटी छोटी जहाँ से आप खा सकते हो, तो चलिए कुछ खाते हैं। पहले यहाँ पर आपको खाने का मिल जाएगा, क्या खाना है एवलिन? भेलपुरी, समोसा चाट, चाट बेलपुरी फर्स्ट। तो हमने ऑर्डर किया है 2 बेलपुरी और भैया बना रहे हैं अभी। थैंक यू, अभी इसको खा के देखते हैं गाइस कैसा है। तो दोस्तों भेलपुरी खाने के बाद हम फिर एंट्रेंस की तरफ चले गए एंड एक और चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि आप वाटर बॉटल कैरी कीजिएगा अपने साथ। हमने यहाँ पे एक वाटर बॉटल खरीद लिया था बाहर से क्योंकि बहुत सारा चलने को है अंदर एंड आपको प्यास लग सकती है एंड अंदर पानी पीने के लिए आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो एक वाटर बॉटल कैरी कीजिए। टाइमिंग्स की अगर बात करें तो 6 AM पे पार्क ओपन हो जाता है और शाम के 6:30 तक ओपन रहता है। एंट्री फीस फ्री है यहाँ पे, आपको कोई चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। 300 acres ऑफ लैंड है कबन पार्क में एंड ऑलमोस्ट क्लोज टू 6,000 ट्रीज आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी जगह है अगर आपको फैमिली के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना हो, फन आउटिंग जैसे आप देख पा रहे हैं, आप बॉल और बैट ऐसी चीज़ें लेके आ सकते हैं यहाँ पे खेलने के लिए, बच्चों को खेलने के लिए काफ़ी है। एंड घुसते ही मैंने जो एक चीज़ नोटिस करी वो है बटरफ्लाइज, बहुत सारी बटरफ्लाइज हैं यहाँ पे। तो ये देखिए काफ़ी लोग यहाँ पे पिकनिक पे आए हैं एंड अगर आपको कुछ एक्टिविटीज़ करनी है तो उसके लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे कि ये रॉक क्लाइंबिंग जैसा छोटा सा है एंड इसके अलावा मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक के लिए भी काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं। तो मैंने ट्राई किया ये रॉक क्लाइंबिंग एंड काफ़ी अच्छा लगा मुझे। एंड एक और अट्रैक्शन इस पार्क का ये है कि आपको बहुत डिफरेंट टाइप्स के पेड़ पौधे यहाँ देखने को मिल जाते हैं एंड काफ़ी सालों से ये पेड़ पौधे यहाँ पे हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं ये ट्रीज़ काफ़ी पुराने हैं।
एवलिन ने यहाँ पे फ्लावर्स कलेक्ट किए हैं, हर कलर के फ्लावर्स यहाँ से लेके जाएंगे। yes. तो जब हम निकले थे गाइस तब क्लाउडी था एंड राइट नाउ इट्स अ ब्राइट सनी डे, सो गर्मी है। ये देखिए गाइस, ये वाला ट्री देखिए गाइस कितना बड़ा, बहुत ही काम एंड पीसफुल जगह है ये। एंड यू कैन हियर द बर्ड्स चिरपिंग, तो बहुत ही सोलफुल म्यूजिक आ रहा है बर्ड्स का। इट इज ब्यूटीफुल, दैट्स व्हाई इट्स ब्यूटीफुल। ये देखिए गाइस एवलिन ने ढूंढा है ये, चलिए हम आ चलते हैं उसके नीचे। एंड स्पेशली अभी के सीज़न में अगर आप कबन पार्क में आते हैं स्प्रिंग सीजन में, तो काफ़ी सारे फ्लावर्स जो है फ्लावर्स ब्लूम करते हैं और काफ़ी सारे फ्लावर्स आपको नीचे ज़मीन पे भी देखने को मिल जाते हैं, तो बहुत ही ब्यूटीफुल एम्बियंस आपको कबन पार्क में देखने को मिलता है इस टाइम पे स्पेशली। तो अभी हम ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर अंदर चल के आ गए हैं कबन पार्क में एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक, सो फुली कवर्ड विथ ट्रीज। तो हमको बैठने के लिए एक स्पॉट मिल गया यहाँ पे एंड वी आर रिलैक्सिंग राइट नाउ, सो वेरी गुड प्लेस। एंड बैठने के लिए या तो आप अगर पिकनिक मना रहे हैं तो आप एक बेडशीट ला सकते हैं जैसे यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने कर रखा है, एंड आप यहाँ पे नीचे ज़मीन पे बैठ सकते हैं, या फिर अगर आप हमारी तरह आए हैं बस घूमने के लिए तो यहाँ पे बेंच है वहाँ बैठ सकते हैं। So pretty, no? ये देखिए गाइस साइज देखिए इस पेड़ का और कितना बड़ा है। हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका, ये देखिए यहाँ पे ये है हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका। यहाँ पे पूरा डिटेल्स लिखा हुआ है इस बिल्डिंग के बारे में, कंप्लीटेड 1868। एंड यहाँ पे आपको बहुत सारे बर्ड्स एंड स्क्विरल्स भी देखने को मिल जाते हैं। जैसे आप ग्रुप में आके खेल भी सकते हो। तो हे गाइस, अभी हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं वो भी आ गए हैं अभी कबन पार्क में, तो अभी वो एंटर ही किए हैं एंड हम ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर अंदर आ गए हैं पार्क में। तो अभी मैंने उनको लोकेशन भेजा है, वो लोकेशन देख के अभी मेरे पास आ रहे हैं, तो मैं और एवलिन अभी यहाँ पे वेट कर रहे हैं, तो चलिए आपको भी मिलवाता हूँ उनसे जब वो आएंगे। तो ये आ गए गाइस दोनों, व्लॉग में आ रहे तो ऐसे ही आ जा, तेरे व्लॉग का इंट्रो भी मैं ऐसे ही करूँगा देखना तेरे साथ। तो ये गाइस मेरा बचपन का दोस्त विमल, ये उसकी वाइफ ब्रिजी। Hey Justin, hi. How are you, man?
एंड दोस्तों पार्क में आपको बहुत सारे स्टैचूज एंड स्कल्पचर्स भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि ये देखिए। एंड यहाँ काफी डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट्स भी आपको ट्रीज पे देखने को मिल जाते हैं। तो गाइस अभी हम यहाँ पे चाय पी रहे हैं। तो गाइज अभी ऑलमोस्ट 5 बज गए हैं एंड हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ भी ले ली है एंड अब हम जा रहे हैं यहाँ से देखने के लिए कुछ और जगह मिलती है फ़ोटो के लिए तो एंड उसके बाद में विल गो फ्रॉम हियर एंड विल हैव समथिंग आउटसाइड। तो चलिए एंड दोस्तों उसके बाद हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ ली यहाँ पे, काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया। एंड फ़ोटोज़ के लिए अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ पे बहुत सारी जगह है जहाँ आप अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं। So guys, right now it's almost 6 o'clock and we are going from here. So it was a wonderful one-day trip which we planned to Kabban Park. And agar aap log bhi aana chahte ho, to definitely you should visit Kabban Park. It's a very beautiful place. And from here, right now we are going to eat something. तो दोस्तों अगर आप भी एक वन डे ट्रिप प्लान कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ में तो डेफिनेटली कब्बन पार्क का ऑप्शन आप अपने पास में रख सकते हैं। यहाँ पे पेट्स भी अलाउड है और ये स्क्रीन पे दिख रहा सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस उसके लिए ही है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ।